हेलो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन हमारा पहला टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं तो चलिए सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें दिया गया टू एड और एनी टू रैशनल नंबर्स डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रैशनल नंबर्स शुड बी सेम अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर्स को एड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पर हमें माइनस थ्री बाय फोर और वन फोर को ऐड करना है तो यहाँ पर ऑलरेडी इन दो रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को कॉमन लिख सकता हूँ फोर तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू के और डिनोमी फोर तब हम इसे यहाँ पर टू वन हो जाएगा और टू हो जाएगा फोर तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन बाई टू नेक्स्ट यहाँ पे और एक एडिशन का एग्जाम्पल दिया गया इस्पल के अंदर दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा थ्री बाई फोर प्लस माइनस टू बाई थ्री इन दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से थ्री को मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से फोर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट रैशनल नंबर मिल जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन प्लस में यहाँ पर सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा माइनस एट बाई सी यहाँ पर डिनोमीटर सिक्सटीन कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर नाइन प्लस माइनस एट इक्वल हो जाएगा नाइन माइनस एट के ठीक प्लस इंटू माइनस इक्वल होता है माइनस के तो हमें सम मिल चुका है वन बाई सिक्सटीन नेक्स्ट दो एग्जाम्पल्स के ऊपर है फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस थ्री बाई फाइव माइनस में यहाँ पर टू बाई माइनस फाइव लिख सकते हैं माइनस कॉमन और टू बाई फाइव के इंट्रोडक्शन में देखा था तो यहाँ पर हम माइनस इंटू माइनस इक्वल टू हो जाएगा प्लस के और यहाँ पर माइनस थ्री बाई फाइव एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर टू बाई फाइव भी एज इट इज आ जाएगा तो यहाँ पर अब हम डिनोमिनेटर को कॉमन लिख सकते हैं डिमोमीटर के अंदर माइनस थ्री प्लस टू करने पर हमें मिलेगा माइनस वन तो यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है माइनस वन बाई फाइव चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इस एग्जांपल के अंदर हमें माइनस वन बाई सेवन माइनस माइनस सेवन डिवाइड बाई माइनस टू फाइंड आउट करना है यहाँ पर सेकंड नंबर के अंदर हम लोग माइनस और माइनस को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि माइनस डिवाइड में माइनस इक्वल टू होता है प्लस के तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस वन बाई सेवन माइनस सेवन बाई टू तो यहाँ पर अब इन दो राशन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसलिए इन दोनों राशन नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट रैशन नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से टू को मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड सेकंडल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेवन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर माइनस इंटू टू इक्वल हो जाएगा माइनस टू के डिनोमिनेटर में आ जाएगा फोर्टीन माइनस में यहाँ पर सेवन सेवनजा हो जाएगा फोर्टी नाइन और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टू सेवन फोर्टीन तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को कॉमन लिख देंगे माइनस टू माइनस फोर्टी नाइन करने पर हमें मिलेगा माइनस फिफ्टी वन तो यहाँ पर भी हमें फाइनल वैल्यू मिल चुकी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट व्हेन एडेड विद द गिवन रैशनल नंबर गिव्स सम एज जीरो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर है जिस नंबर को अगर वो गिवन नंबर से ऐड करने पर हमें सम मिलेगा जीरो जैसे कि पे एग्जाम्पल में हमें माइनस वन बाई टू का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो माइनस वन बाई टू का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वन बाई टू क्योंकि अगर हम लोग माइनस वन बाई टू प्लस वन बाय टू करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर दो पार्ट से चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें रैशनल नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है पर के न्यूमेर्टर, न्यूमेर्टर जा 2, तो k, और डिनामीटर डिमीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -15 जा तो तो और तो जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा फोर्टीन बाई फिफ्टी नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर जो गिवन इंटीजर होगा वो न्यूमिटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमीटर इट इज आ जाएगा ये माइनस थ्री को हम लिख सकते हैं माइनस थ्री डिड बाई वन ये किसी भी नंबर को अगर हम लोग वन से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है इसलिए माइनस थ्री को हम लोग लिख देंगे माइनस थ्री डिवाइड बाई वन तो माइनस थ्री इंटू थ्री करने पर हमें मिलेगा माइनस नाइन और में आ जाएगा फोर वन जा फोर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल के अंदर न्यूमेटर बन जाता है डिनामीटर और डिनोमीटर बन जाता है न्यूमेटर जैसे कि एग्जांपल में हमें यहाँ पर थ्री बाई माइनस फोर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर थ्री न्यूमेटर था तो रेसिप्रोकल के अंदर थ्री हो जाएगा डिनोमिनेटर और यहाँ पर माइनस फोर डिनोमीटर था तो रेसिप्रोकल के अंदर वो हो जाएगा न्यूमेटर नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमें माइनस थ्री का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है यहाँ पर माइनस थ्री को हम लिख सकते हैं माइस थ्री डिवाइड बाई वन क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम वन से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है तो यहाँ पर अब इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री इसको हम लोग माइनस वन डिवाइड बाई थ्री भी लिख सकते हैं या माइनस कॉमन वन डिवाइड बाई थ्री भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने एक्सरसाइज एट पॉइंट वन के इंट्रोडक्शन में देखा था हमारा लास्ट ऑपरेशन है डिविजन इसके अंदर तीन पार्ट से चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीजर को रैशनल नंबर से डिवाइड करना है तो यहाँ पर इंटीजर हमें दिया गया माइनस टू और रैशनल नंबर हमें दिया गया टू बाई माइनस थ्री तो अगर हम इंटीजर को रैशनल नंबर से डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमें हाँ इंटीजर को राशन नंबर के अंदर कन्वर्ट करना होगा राशन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं जहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती है तो यहाँ पर हम माइनस टू को राशन नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस टू बाई वन क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम ही नंबर मिलता है यहाँ पर डिवाइडेड बाई टू बाई माइनस थ्री का साइन एज इट इज आ जाएगा इस तरीके के एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए हमें सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होता है और डिविजन के साइन के बजे लिखना होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन तो यहाँ पर सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू यहाँ पर माइनस टू बाई वन एज इज आ जाएगा तो पर डिवीजन के साइन के बदले आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन तो यहाँ पर अब हम कैंसिलेशन करेंगे यहाँ पर टू वनजा टू हो जाएगा और टू वनजा टू हो जाएगा माइनस इंटू माइनस करने पर हमें मिलेगा प्लस तो पर थ्री वनजा हो जाएगा थ्री तो हमें फर्स्ट पार्ट में आंसर मिला है पॉजिटिव थ्री चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर को इंटीजर से डिवाइड करना है तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम इंटीजर को राशन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर हम थ्री बाय फोर और डिविजन के साइन को एज इट इज लिख देंगे और माइनस थ्री के बदले लिख देंगे माइनस थ्री बाय अब ये इंटीजर राशन नंबर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ पर अब हम सेकंड नंबर का रिसिप्रोकल करेंगे और डिवीज़न के साइन के पहले लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और पर थ्री बाई फोर एस के अंदर यहाँ पर थ्री वन जै थ्री हो जाएगा और थ्री वन सा थ्री हो जाएगा तो यहाँ पर न्यूमिटर में वन इंटू वन इक्वल हो जाएगा 1K, वन के और डिनोमिनेटर में फोर इंटू माइनस वन इक्वल हो जाएगा माइनस फोर के वन माइनस फोर को आप माइनस वन फोर भी लिख सकते हैं या माइनस कॉमन वन बाई फोर भी लिख सकते क्योंकि अगर हम लोग प्लस डिवाइड में माइनस करेंगे तो भी हमें कॉमन माइनस मिलेगा और माइनस डिवाइड में प्लस करने पर भी हमें कॉमन माइनस मिलेगा चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं लास्ट पार्ट के अंदर हमें राशि नंबर को दूसरे राशि नंबर से डिवाइड करना है तो यहाँ पर भी फर्स्ट दो पार्ट की तरह हम सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे और देविजन के साइन के बजे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर एज इट इज आ जा जाएगा तो यहाँ पर टू वन जो टू हो जाएगा और टू टू जरा फोर हो जाएगा तो हमें न्यूमिटर में मिल जाएगा माइनस वन इंटू थ्री जो जाएगा माइस थ्री के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा फाइव टू जी टेन तो हमें लास्ट पार्ट में आंसर मिला है माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टेन इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन नंबर वन देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो और अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्ले चाहिए तो आप इस वाले प्ले में क्लिक कर सकते हो